नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। बिहार में दशक भर से ज़्यादा अरसे तक राज करने वाले लालू प्रसाद यादव की कामयाबी जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। वो हमेशा अपनी पार्टी में, उनका एक समीकरण था मुस्लिम और यादव वोट बैंक। और इस बार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार में इसी फार्मूले को यूज किया गया है। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी इस बार जो विस्तार हुआ है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का, उसमें लालू के फार्मूले के अपनाया गया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में 31 नेताओं को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई है। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में राजद के 16 और यदयू के 11, कांग्रेस के 2 और जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक नेता के साथ एक निर्दलीय विधायक को शपथ दिलाई गई। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल फागू चौहान ने 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई। राजद के खेमे को अगर देखा जाए तो विस्तार में लालू यादव की झलक दिखाई देती है। कैबिनेट विस्तार में आरजेडी कोटे से सबसे ज़्यादा यादव समुदाय को तरजीह दी गई है। आरजेडी के यादव 6 विधायक मंत्री बने हैं, जबकि तेजस्वी यादव पहले से ही डिप्टी सीएम है, और राजद के कोटे से 3 मुस्लिम विधायकों ने भी आज शपथ ली है। कैबिनेट को देखें तो 16 मंत्रियों और 9 मंत्री यादव और मुस्लिम हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा। राजद ने मुस्लिम और यादव समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। बिहार कैबिनेट के विस्तार के तहत राजभवन के राजेंद्र मंडपम में सबसे पहले राजद नेता तेज प्रताप यादव के 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, और इसके बाद अशोक चौधरी, रामानंद यादव, नीतीश के करीबी श्रवण कुमार के बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव ने शपथ ली, और उसके बाद जदयू की शीला मंडल, राजद के समीर महासेठ और चंद्रशेखर और निर्दलीय समीर सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान राजद के नेता खासे जोश में देखे गए। शपथ के बाद तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी से मंत्री बने तो नेता पूरे समर्पण के साथ सीएम नीतीश कुमार की देखरेख में काम करेंगे। बिहार को विकास के पद पर ले जाने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित हैं। उनका लक्ष्य युवाओं को रोजगार देना है, समाज के कमजोर तबके का उत्थान करके उन्हें मुख्यधारा में लाना है। तो दोस्तों, ये जो बातें तेजस्वी ने कही हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये हर नेता कहता है, लेकिन पूरे जो कैबिनेट है उसको देखने में ये लगता है कि इस बार नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के विस्तार में लालू के फार्मूले को अपनाया है। फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल भी रखिए। जय हिंद, जय भारत।